एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि इस लोक कला के विकास में डाइट प्रांगण में ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें उपस्थित होकर मैं अभिभूत हूँ इस अवसर पर। इस सभाकक्ष में उपस्थित मंचस्थ समस्त विद्वजनों का स्वागत करते हुए इस अवसर पर जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, माध्यमिक विद्यालय से आए हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे विभाग के इस आपाधापी में किसी के पास समय ही नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से इतर अपने अंदर जो अच्छी चीजें हमारी सृजनात्मकता विद्यमान है उसको मुखरित करें और उसको एक दिशा दें। निश्चित रूप से इस आयोजन में एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि जब आप बुंदेलखंड की लोक कला से आपने अपने को जोड़ा और आपके अंदर एक जो प्रतिभा विद्यमान है उसको कैनवास पर उकेरा है। मैं जब अभी इन चित्रों को देख रहा था तो ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ी ये चकेरी चित्रकला है क्या। मैंने इन दो लोगों से प्रश्न भी किया, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं जानना चाह रहा था शायद जान भी नहीं पाया कि वास्तव में चकेरी चित्रकला है क्या, और अगर किसी चित्रकला में हम स्पेसिफिक होते हैं तो अन्य चित्रकलाओं से उसमें तादात्म्य कितना है और इसमें विरोधाभासी स्थिति क्या है और कैसे कोई चित्रकला अन्य चित्रकलाओं से अपने को अलग कर लेती है। इन प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ मैंने देखा, जैसे इन कैनवासों पर कुछ अलग रंग के कलर लगाए गए हैं और उन रंगों में सारे रंग लगभग लगभग जो मुझको दिखे गहरे रंग दिखे, वो चाहे वो पीला कलर हो, हरा कलर हो, गुलाबी कलर हो, ये कुछ अन्य चित्रकलाओं से अलग अलग रंग दिखे मुझको। और जो चीज विशेष रूप से इस चकेरी चित्रकला में मुझको दिखी, यह सारी चित्रकलाएं हिंदी मैथोलॉजी पर आधारित हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे दैनिक दिनचर्या हमारी है, जो हमारे जीवन के मांगलिक कार्य हैं, इन चित्रकलाओं में समान रूप से एक सादृश्यता दिखी। जैसे विवाह संबंधी जो मांगलिक कार्य हैं, इनको इस पर उकेरा गया, राजा रानी के चित्र उकेरे गए, जो लोकल स्तर पर वाद्य यंत्र हैं उसको उकेरा गया, एक चित्र में मैंने देखा सूर्य की जो परिकल्पना की गई है उसको उकेरा गया, एक चित्रकला में मत्स्य दिखी जो हमारे भारतीय मनीषा में शुभ माना जाता है जिसको, ठीक है। तो ये हमारी चित्रकला हमारे जीवन के विभिन्न आयामों को उजागर इन्होंने किया। कोई भी चित्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे
व्यक्तित्व का ही प्रसार पाती है। हम जैसा कुछ सोचते हैं, चाहे हम साहित्य में उसका वर्णन कर दें, चाहे कला के माध्यम से उद्भाषित करते हैं, यह हमारे एक व्यक्तित्व का ही परिचायक है। इससे यह स्पष्ट है कि इस सभा कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, स्वतंत्र चिंतन है, और अगर उस स्वतंत्र चिंतन और व्यक्तित्व को मौका दिया जाए उभरने का, फैलने का, तो निश्चित रूप से वो इससे एक तरफ जहां समाज को गति मिलेगी, दूसरी तरफ आपका व्यक्तित्व स्थापित होगा। इस सभा कक्ष में क्योंकि सारे अध्यापक हैं, तो मैं ये कहने में उसको कोई गुरेज नहीं है, ये विद्वत जन की सभा है। और इस विद्वत जन की सभा में जो भी व्यक्ति है, कम से कम अपने कंधे पर एक गुरुतर दायित्व ओढ़े हुए है। गुरुतर दायित्व तो बस एक चीज परिलक्षित केवल होता है कि हमारे सारे शिक्षक हैं, हम जिनको गुरु के नाम से परिभाषित करते हैं, जिनका मूल उद्देश्य किसी भी विद्यार्थी को एक दिशा देना जिससे उसके जीवन का सर्वांगीण विकास हो सके, और उस सर्वांगीण विकास में एक शिक्षक की भूमिका में आप रहते हुए अगर हम किसी स्थान विशेष की कला के पुनर्जीवन में अगर अपना थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तित्व की होगी। शिक्षा विभाग का अधिकारी हूँ, एक लंबी यात्रा मैंने किया है, तो सबसे पहले जब भी कहीं गुरु की बात आती है तो आप लोगों के समक्ष श्रद्धानत वैसे ही मस्तक हो जाता है, यह सोच के कि आप ही जैसा कोई टीचर रहा होगा जिसने मेरी उंगली पकड़ी होगी, ABCD पढ़ना सिखाया होगा और वो यहाँ तक लेके चला आया। मैं आज अगर इस स्थान पर हूं तो मैं आपकी ही देन हूं। ऐसी स्थिति में आपसे मैं आपको कोई दिशा निर्देश देने की स्थिति में मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा एक चीज रहती है कि जिसके भी नाम के आगे गुरु शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य तम से सत की तरफ जो यात्रा करानी है, अगर उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो किसी को भी सत से तम से सत की तरफ यात्रा कराता है, तो निश्चित रूप से उसकी एक महती भूमिका होती है। आप सभी लोग यहां एकत्रित हुए और आप में जितनी प्रतिभा थी, जितने सपने थे, जितनी आपकी कल्पनाएं थी, जितना आप कर सकते थे रंगों के माध्यम से आपने इस कैनवास पर उसको उकेरने का प्रयास किया। आपका यह प्रयास बिल्कुल वंदनीय है, सराहनीय है, आप इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मेरा एक और मानना है कि कोई भी चीज हो, चाहे हम अध्यापक हो या हम अपने परिवार में रह रहे हों, दो चीजें मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है कि जहां जहां भी हम अपने आदर्श और यथार्थ के बीच में संतुलन स्थापित कर लें, ये हमारे जीवन की सफलता है। अगर हम कोरा आदर्शवाद लेके चलेंगे, कोरा आदर्शवाद, तो केवल आदर्शवाद आदर्श बन के रह जाएगा, बिल्कुल यथार्थवादी होंगे तो दूसरी तरफ समस्याएं जनरेट होंगी। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ये है कि हम अपने आदर्श और यथार्थ में संतुलन स्थापित कर सकें। अगर इस सोच को आप अपनी नई पीढ़ी को दे पाते हो, नई पीढ़ी में एक सपना जागृत कर पाते हो, चाहे आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, तो मेरा अपना मानना है जो एक शिक्षक का धर्म होता है उसको निभाने में पूर्ण रूप से आप सफल होंगे। जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ इन भित्ति चित्रों पर आपने उबेरा है,
अगर इस सपने को अपने बच्चों तक आप पहुंचा ले जाते हो तो ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी कि जो ये स्थानीय चित्रकला जिसको लोग भूल चुके हैं इसमें पुनः निखार आएगा और ये चित्रकला अन्य चित्रकलाओं के बीच में अपने को स्थापित कर लेगी। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बस मेरी अपेक्षा केवल इतनी है, जो आपके सपने हैं, जो आपका प्रयास है, जो इन कलाओं में दिख रहा है, जो आपने कार्य किया है, इसको आप बच्चों तक आप पहुंचाओ, इसके प्रति उनके मन में आकर्षण भरो, और इस जो स्थानीय चित्रकला चकेरी चित्रकला है इसके जो भी गुण हैं उन तक आप पहुंचाओ। तो हो सकता है जब बच्चे बड़े होंगे कहीं भी पढ़ेंगे तो एक अगर छोटा सा सपना आप दोगे तो हो सकता है वो जो जब सपना फलीभूत होगा तो निश्चित रूप से इसमें हमारा भी विकास है, समाज का भी विकास है, देश का भी विकास है। आपने एक नई पहल शुरू की है और मुझे उम्मीद है आप अपनी सोच को, इसी अपनी कल्पना को आप नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।